हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। यह सेंट्रो कार का अंदर वाली फ्यूज बक्स है, आइए इसको बारी बारी से जान लें। एक नंबर है LPG ECU, यानी जो गाड़ी LPG पर चलती है उसका ECM वाला फ्यूज बक्स है। आगे दो नंबर है POW WDW, ये हो गया पावर विंडो का। तीन नंबर है ABS, ये हो गया ब्रेक का। चार नंबर है HOBLP, ब्रैकेट में लिखा है LH, ये हो गया हेडलाइट का लेफ्ट साइड। 10 एम्पीयर का जो फ्यूज है, जो लिखा है HOBLP RH, ये हो गया हेडलाइट का राइट साइड वाला फ्यूज। 10 एम्पीयर का रिले लगा हुआ है 6 नंबर। 7 नंबर है वाइपर वाशर का फ्यूज है। 8 नंबर है COBDR LOP, ये दरवाजा का लॉक करने वाला फ्यूज है। 9 नंबर है HAZARD, ये हो गया आपका इंडिकेटर का। 10 नंबर है 15 एम्पेयर का फ्यूज लगा है, जो STOP LP लिखा हुआ है, यह स्टॉप करने के लिए है। 11 नंबर है 20 एम्पेयर का, जो RRHD लिखा हुआ है उसका फ्यूज है। 12 नंबर है 10 एम्पेयर का IDO Room LP, ये IDO का फ्यूज है, जो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगा होता है उसका है। 13 नंबर है 10 एम्पेयर का IDO, ये भी उसी का है, जो म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में लगा होता है। 14 नंबर है 15 एम्पेयर का COBLing लाइटर, ये सिगरेट लाइटर का है। 15 नंबर है 10 एम्पेयर का TOBLing SIG BOBLing UPLG, ये सिगरेट का होता है। 16 नंबर है 10 एम्पेयर का क्लस्टर, जो क्लस्टर वाली लाइट होती है, अंदर की लाइटें होती है उसका होता है ये फ्यूज। 17 नंबर है 10 एम्पेयर का टैक्सी मीटर, ये मीटर का होता है, जो 10 एम्पेयर का लगा हुआ है, ये 17 नंबर है। 18 नंबर है 10 एम्पेयर का ECU B+, ये बैटरी से जो ECM कनेक्ट होता है वही फ्यूज होता है, ECU जो बी प्लस लिखा होता है, जो 18 नंबर है। 19 नंबर है AOBLing CON, ये कनेक्टर का होता है, जो 10 एम्पेयर का है AOBLing CON। 20 नंबर है 20 एम्पेयर का, जो इग्निशन कॉइल का होता है। अगर आप फ्यूज बक्स के बारे में जान गए तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।